वही बॉलीवुड एक्टर गोविंदा महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में वाली शिवसेना में शामिल हो गए हैं। वे गुरुवार को शाम करीब 5 बजे सीएम शिंदे के साथ मुंबई स्थित शिवसेना ऑफिस पहुंचे। इसके थोड़ी देर बाद उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली। शिवसेना ज्वाइन करने के बाद गोविंदा ने कहा, मैं 2004 से 2009 तक राजनीति में था। ये संयोग है कि 10 साल बाद मैं फिर से राजनीति में आया हूँ। मुझ पर जो विश्वास किया गया है मैं उसे पूरी तरह से निभाऊंगा। देर शाम पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी, जिनमें 8 उम्मीदवारों का नाम है। पार्टी ने मुंबई साउथ सेंट्रल, कोल्हापुर, रामटेक, शिरडी, बुलढ़ागा, हिंडोली, मावल और हाटक डलंगे से उम्मीदवारों की घोषणा की है।